हेलो एवरीवन दिस इज अतिया एव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल बेस्ट एक्सप्लेनेशन पॉइंट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव अगेन फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ टेंथ आई बोर्ड इलेवन ट्वेल्थ आई बोर्ड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास नाइन टेंथ सी बोर्ड एज वेल प्रपोजिशन पर मैं ऑलरेडी सेवन वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ क्लास नाइन टेंथ आई एंड इलेवन ट आई बोर्ड के लिए जिसमें मैंने ज़्यादातर फ्रेजल वर्ब्स पर डिस्कशन किया था और बीच बीच में आपको प्रपोजिशंस भी कवर करवाई थी बट टुडे आई हैव सेलेक्टेड स्पेशली प्रपोजिशंस नॉट द फ्रेजल वर्ब्स सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वर्ड्स फॉलोड बाय प्रपोजिशंस जो लोग पहले से सेवन पार्ट्स देख चुके हैं प्रपोजिशन पे उन्हें बहुत सारी चीज़ें पहले से बताऊँगी मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रपोजिशन कभी भी अपने हिंदी मीनिंग से नहीं यूज़ किए जाते राइट ना ही प्रपोजिशंस में बहुत अच्छे खासे रूल्स होते हैं कुछ प्रपोजिशंस में हाँ रूल होते हैं जैसे आपको पता है बिटवीन दो लोगों के लिए यूज़ होता है आमंग दो से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है बिसाइड हुआ मतलब कुछ और होता है बिसाइड्स का मतलब कुछ और होता है यानी कुछ प्रपोजिशंस हैं जिस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं बट ज़्यादातर प्रपोजिशन आपको याद करनी होती है प्रैक्टिस करनी होती है राइट right? तो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वर्ड्स फॉलोड बाई प्रपोजिशन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे इंग्लिश में जिसके आगे आप एक खास ही प्रपोजिशन लगा सकते हो आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रपोजिशन या हिंदी मीनिंग से कोई भी प्रपोजिशन नहीं यूज़ कर सकते एग्जाम्पल के तौर पे बचपन से आप ये चीज़ बोलते आ रहे हो कि मुझे उस पर गर्व है इसके लिए आप यूज़ करते हो आई एम प्राउड ऑफ हिम और आई एम प्राउड ऑफ़ हर आई एम प्राउड ऑफ़ माई पेरेंट्स तो आप प्राउड के साथ क्या लगाते हो ऑफ़ लगाते हो क्योंकि आप ये चीज़ अपने बचपन से याद कर रखिए बोलते रहते हो आप सुनते रहते हो आप तो आपको पता है कि प्राउड के साथ ऑफ आता है लेकिन क्या कभी आपने सोचा इसका हिंदी मीनिंग तो ये होता है कि मुझे अपने पेरेंट्स पर गर्व है तो पर के लिए तो वैसे ऑन का यूज होना चाहिए लेकिन हम क्या यूज करते हैं प्राउड ऑफ सिमिलरली जूनियर सीनियर ये वर्ड्स आप अपने स्कूल में बहुत बोलते हो सिर्फ वो मुझसे जूनियर है तो शी इज जूनियर टू मी बोलते हो ठीक है से के लिए वैसे तो फ्रॉम होता है आना क्या चाहिए फ्रॉम बट हम फ्रॉम का यूज नहीं करते हम बोलते हैं ही सीनियर टू मी आई एम जूनियर टू हिम राइट तो जिस तरीके से प्राउड के बाद ऑफ लगता है ये आपको बचपन से पता है क्योंकि आपने उसको रट रखा है आपने उसको प्रैक्टिस कर रखी है आपने बहुत सुन रखा है सिमिलरली जूनियर के साथ टू आता है सीनियर के साथ भी टू आता है ये भी आपको पहले से पता है बिकॉज आप ये सुनते रहते हो इसी तरीके से बच्चा बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे खास ही प्रपोजिशन आता है आप जब उसको देखोगे और आपने पहली बार वो वर्ड देखा है तो आपको लगेगा यार ये प्रपोजिशन मुझे ठीक नहीं लग रहा है ठीक है लेकिन जबकि वो सही होगा ठीक है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपकी नज़रों से वो एक या दो बार गुजर चुका है प्रपोजिशन कहीं आप न्यूज़पेपर में कहीं मैगज़ीन में कहीं आपने टीवी में सुन रखा है या पढ़ रखा है तो आपको क्लिक कर जाएगा कि भाई इस वर्ड के साथ यही प्रपोजिशन आने आना है तो कुल मिला के आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड प्रपोजिशंस के लिए कोई ट्रिक नहीं होती ना ही कोई रूल्स होते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना होती है एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दो वर्ड्स फॉलोड बाई प्रपोजिशंस जो क्लास नाइन टेंथ की बुक अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर ऑफ करंट इंग्लिश में दिए गए हैं राइट बहुत सारा कलेक्शन है बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता है कि वो बुक खोल के पढ़ाई कर पाए तो फॉर दोज स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू अपलोड अ वीडियो जिसमें आपको कई सारे प्रपोजिशंस देखने को मिलेंगे और आप इसको दो से तीन बार अगर सुन लोगे तो आपको इस पर अच्छे से कमांड भी हो जाएगा ठीक है तो सोर्स मेरा है अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर ऑफ करंट इंग्लिश जो कि आई काउंसिल ने सजेस्ट uh, की है बुक ठीक है तो इसमें जितने भी प्रपोजिशंस हैं वर्ड्स फॉलोड बाय वो मैं कवर करने जा रही हूँ आज लेट्स गेट स्टार्टड सेंटेंस नंबर वन फॉरेस्ट इन अफ्रीका अबाउंड डैश वाइल्ड एनिमल्स देखिए अबाउंड इसमें एस बी लगा सकते हैं अबाउंड एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू बी फिल्ड विद समथिंग दूसरा मतलब होता है कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग कोई चीज़ किसी से भरी हुई है या कोई चीज़ कुछ कंटेन करी है उसके लिए इंग्लिश यूज करते हैं अबाउंड ठीक है तो अबाउंड के साथ हम दो प्रपोजिशन यूज कर सकते हैं या तो विद या इन कोई रूल नहीं है कि कब आप विद यूज करोगे कब आप इन यूज कर सकते हो आंखें बंद करके आप अबाउंड विद भी बोल सकते हो अबाउंड इन भी बोल सकते हो राइट right? तो फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंसेस में या तो आप इन फिल कर सकते हो या फिर विद फिल कर सकते हो थर्ड सेंटेंस में ही इज एब्सॉर्ब्ड डैश रीडिंग एब्जॉर्ब्ड इन एब्जॉर्ब्ड इन का मतलब होता है गिविंग ऑल अटेंशन टू समथिंग जब आप अपना पूरा अटेंशन किसी चीज को देते हो ट मीन्स यू आर एब्जॉर्ब्ड इन दैट थिंग राइट और एब्जॉर्ब्ड के बाद हमेशा जो भी एक्शन होगा बेटा वो आई के साथ आप यूज करोगे ये भी ध्यान रखना तो ही इज एब्सॉर्ब्ड इन रीडिंग दैट मीन्स ही इज गिविंग ऑल हिज अटेंशन टू दिस नावल सेंटेंस नंबर फोर ही वेरी काइंडली एक्सीडेड एक्सीडेड मीन्स होता है अग्रीड मान लेना ठीक है कबूल कर लेना यानी उसने मेरी रिक्वेस्ट को कबूल कर लिया तो एक्सीडेड के साथ यूज होता है टू वेरी काइंडली एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट फिफ्थ वाला बहुत ईजी है हिंदी मीनिंग भी सेम निकल रहा है ट्राई टू बी एक्ट इन योर कैलकुलेश्स अपने कैलकुलेशन में एक्यूरेट रहो सिक्स है हिज ब्रदर वॉज एक्यूज डैश थिफ्ट एक्यूज मतलब होता है आरोप लगाना ठीक है उसके भाई पर चोरी का इल्जाम लगाया गया ठीक है तो एक्यूज के साथ हम यूज करते हैं ऑफ का ठीक है हिंदी मीनिंग भी का ही निकल के आ रही है, चोरी का ठीक है इल्जाम तो ऑफ आता है याद रखिएगा अक्यूज ऑफ थेफ्ट सेवन सेंटेंस है ही सून बिकेम अकस्टम्ड डैश द लोकल फूड आंसर होगा टू अकस्टम्ड टू अकस्टम्ड टू मतलब होता है टू बी हैबिचुअल किसी चीज की आदत पड़ जाना ठीक है इसे कुछ काम करते करते आप आपको उसकी आदत पड़ गई है तो दैट मीन्स यू आर अकस्टम्ड टू दैट थिंग ठीक तो यहाँ पे सेंटेंस ये है कि वो जल्दी लोकल फूड के आदती हो गया यानी हेबिचुअल हो गया लोकल फूड खाने का राइट right? तो अकस्टमड टू विल बी योर आंसर नाउ एंड सेंटेंस में देखिएगा दो वर्ड्स आए अक्वेंटेंस और अक्वेंटेड अक्वेंटेंस का मतलब होता है स्लाइट नॉलेज ऑफ समथिंग अक्वेंटेंस इज अ नाउन ठीक है जैसे अबेंस इज अ नाउन अब्सेंट आपका वर्ड भी होता है ही एबसेंटेड हिमसेल्फ राइट सिमिलरली अक्वेंटेंस इज अ नाउन जिसका मतलब होता है स्लाइट नॉलेज ऑफ समथिंग किसी चीज की थोड़ी बहुत नॉलेज होना पूरी नॉलेज ना होना और अक्वेंटेड जो कि एक वर्ब है इसका मतलब भी यही होता है टू नो समथिंग बट नॉट वेरी क्लोजली बहुत अच्छे से कुछ ना पता होना उसे कहते हैं अक्वेंटेड और इसके साथ हम यूज करते हैं विद का ठीक आई हैव नो अकुंटेस विद शेलीज पोएट्री दैट मीन्स शेली की पोइट्री के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है दिस इज द मीनिंग एंड द नाइन सेंटेंसेस आर यू अक्वेंटेड विद आर न्यू हेड मास्टर क्या तुम्हें हमारे न्यू हेडमास्टर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता है तो अक्वेंटेड के साथ क्या आता है विद चाहे वो नाउन फॉर्म हो चाहे वो वर्ब हो टेंथ सेंटेंस में वर्ड आया है एक्टेड द मैजिस्ट्रेट एक्टेड अभी ऊपर हमने एक सेंटेंस पढ़ा था जिसमें था अक्यूज एक मतलब क्या था दोष लगाना आरोप लगाना लेकिन अगर आरोप हटाया जा रहा है किसी पर तो उसे कहते हैं अकुवेटेड और दोनों में ही ऑफ का यूज होता है आरोप लगाना अक्यूज ऑफ आरोप हटा लेना क्लियर हो जाना एक्टेड ऑफ ठीक है याद रखिएगा एक्ुएटेड के साथ भी ऑफ आएगा अक्यूज के साथ भी ऑफ आएगा इलेवन सेंटेंस चार्ल्स लैम हैड ग्रेट एफेक्शन डैश हिज सिस्टर एफेक्शन मीन्स लव ठीक तो फॉर आता है अफेक्शन फॉर हिज सिस्टर कुछ और नहीं आएगा ध्यान रखिएगा ग्रेट एफेक्शन फॉर सम वडी राइट इफ यू हैव सम इंक्लाइनेशन रिगार्डिंग समथिंग यू विल से आई हैव एफेक्शन फॉर दैट थिंग ट्वेल्थ सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो अपने कंपोजिशन स्किल्स में भी अफ्लिक्टेड अफ्लिक्टेड यूज होता है सफ़र पेन जब किसी बीमारी की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से आपको जो पीड़ा होती है आप जो सफ़र करते हो जो दर्द आपको महसूस होता है उसके लिए यूज किया जाता है अफ्लिक्टेड और हम लोग प्रपोजिशन यूज करते हैं विद राइट द ओल्ड वमेन इज़ अफ्लिक्टेड विद डिसेंट्री थर्टीन आपको पहले से आता होगा कई जगह आपने पढ़ रखा होगा अफ्लिक्ड के साथ हम यूज करते हैं ऑफ़ का ठीक है आफ्टर मीट्स क्या होता है डरा होना ठीक द रैट इज ऑफ द कैट फोर्टींथ फिफ्टींथ एंड सिक्सटींथ ध्यान रखिएगा अग्री वर्ड जो होता है इसके साथ दो प्रपोजिशन हम यूज करते हैं ठीक है अगर अग्री के साथ कोई इंसान आ रहा है जैसे आप किसी इंसान के से अग्री हो रहे हो ठीक तो है तो इंसान आ रहा है हेम आ रहा है या फिर किसी का नाम आ रहा है तो फिर वहां पे आप विद यूज कर सकते हो ठीक है अग्री विद सम पर्सन ओके लेकिन अगर किसी इंसान से अग्री नहीं हो आप किसी के प्रपोजल से या किसी के आइडिया से किसी के सजेशन से तो आइडिया सजेशन प्रपोजल से अगर आप एग्री हो रहे हो तो फिर वहाँ पे आप विद नहीं लिखते हो टू का यूज करते हो याद रखना तो एग्री विद समी अग्री टू सम प्रपोजल आइडिया और सजेशन तो फोर्टीन का आंसर होगा आई कुड नॉट एग्री विद हिम एंड फिफ्टीन का आंसर होगा ही डिड नॉट एग्री टू माई प्रपोजल एंड सिक्सटीन होगा आई डिड नॉट एग्री विद हिम हेम आया है ना पर्सन है तो पर्सन के साथ क्या लगता है विद सेवेंटी एम एट एम एट का मतलब होता है प्लान फॉर समथिंग किसी चीज़ का प्लान करना उसके लिए यूज किया जाता है एम एट व्हाट आर यू एमिंग एट दैट मीन्स व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर ठीक कैन यू गैस वॉट ही इस एमिंग एट का यूज़ करेंगे आप एमिंग एट याद रखिएगा बहुत बार पूछा जाता है एम के साथ कौन सा प्रिप्रेशन आता है तो आंसर है एट सेंटेंस नंबर एटीन आई एम अलाइव डैश the ऑफ तो आंसर होगा अलाइव टू अलाइव का वैसे तो मतलब होता है जिंदा बट अलाइव टू something इसका मीनिंग होता है अवेयर ऑफ समथिंग ठीक है किसी चीज का पता होना आई एम अलाइव टू seriousness ऑफ द सिचुएशन दैट मीन्स मुझे सिचुएशन की सीरियसनेस के बारे में पता है सो अलाइव टू दैट मीन्स अवेयर ऑफ नाइनटीन एंड ट्वेंटी सेंटेंस को समझिएगा ध्यान से एंग्री अगर आप किसी इंसान से हो रहे हो तो फिर आप वहाँ विद का यूज़ करते हो ठीक है लेकिन अगर किसी के बिहेवियर से आप गुस्सा हो रहे हो तो फिर वहाँ पे आप आर्ट का यूज़ करते हो ठीक है तो बिहेवियर या मिसकंडक्ट या कोई और चीज़ है तो वहाँ पे आर्ट का यूज़ करोगे लेकिन अगर इंसान से आप गुस्सा हो ठीक है तो उसके लिए आप यूज़ करोगे विद का ठीक तो नाइनटीन सेंटेंस हो जाएगा द फादर वॉज वेरी एंग्री विद हिज सन फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल ठीक तो और फोर का यूज होता है अब किस वजह से आप गुस्सा हो उसके लिए आप यूज़ करोगे फॉर का एंग्री दिस सन फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल एंड ट्वेंटी सेंटेंस हो जाएगा आई एम वेरी एंग्री एट हिज मिसकंडक्ट राइट तो अगर बिहेवियर होता या कुछ और वर्ड होता बिहेवियर के सब्सिट्यूट होता जैसे यहाँ मिसकंडक्ट लिखा हुआ है तो फिर आप एट का यूज़ करोगे तो ट्वेंटी का आंसर होगा एट नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज़ वेरी एंक्शियस एंशियस मीन्स होता है परेशान होना वरिड ठीक है तो एंशियस के साथ यूज़ करते हैं अबाउट का ठीक है एंशियस अबाउट हिज सक्सेस ना कि ऑफ कोई और प्रपोजिशन आप नहीं यूज़ करोगे याद कर लीजिए उसको एंक्शियस अबाउट समथिंग राइट ट्वेंटी वन का आंसर हो जाएगा एंशियस अबाउट सेंटेंस नंबर ट्वेंटी टू अपोलोजाइज अपोलोजाइज मतलब होता है माफ़ी मांगना ठीक है तो जिससे माफ़ी मांगी जा रही है उसके लिए आप टू का यूज करते हो ना कि फ्रॉम का राइट तो डॉक्टर जॉनसन अपोलोजाइज टू ऑलिवर गोल्ड स्मिथ फॉर द रूट वर्ड्स ही हैड स्पोकन तो फॉर यूज करेंगे आप ठीक है आगे फॉर द रूट वर्ड्स ही हैड स्पोकन नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा रजत अप्लाइड टू द गवर्नमेंट फॉर अ पोस्ट ठीक है टू द गवर्नमेंट फॉर अ पोस्ट सेंटेंस नंबर ट्वेंटी फोर आई डू नॉट अप्रूव अप्रूव मतलब होता है मानना ठीक है कबूल करना तो अप्रूव के साथ हम यूज करते हैं ऑफ का आई डू नॉट अप्रूव योर एक्शन दैट मीन्स मैं तुम्हारे एक्शन को मंजूरी नहीं देता हूं तो ऑफ का यूज करते हैं अप्रूव के साथ नेक्स्ट सेंटेंस है यू ऑट टू फील अशेम्ड डैश ऑफ कंडक्ट आंसर होगा ऑफ किसी चीज़ के लिए शर्मिंदा होना तो अशेम्ड ऑफ समथिंग राइट फॉर नहीं यूज करते हैं ध्यान रखिएगा अशेम्ड ऑफ समथिंग और आपको पता होगा ऑट टू सब्सटीट्यूट होता है शुड का ठीक है मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए हम यूज करते हैं ऑटू का यू ऑट टू फील अशेम्ड ऑफ योर कंडक्ट कंडक्ट मीन्स बिहेवियर नेक्स्ट सेंटेंस है आई कैन अश्योर यू अश्योर मतलब होता है यकीन दिलाना आई कैन अश्योर यू किस बारे में उसके लिए आप यूज़ करते हो ऑफ ठीक है तो ध्यान रखिएगा आई कैन अश्योर यू ऑफ माई लॉयल्टी मैं अपनी लॉयल्टी के लिए तो मैं अश्योर कर सकता हूं तो के लिए के लिए आप ऑफ का यूज़ करते हो ना कि फॉर का ठीक है आई कैन अश्योर यू ऑफ माई लॉयल्टी इन दिस मैटर तो इन तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा तो आई कैन अश्योर यू ऑफ माई लोअल्टी इन दिस मैटर विल बी योर आंसर ट्वेंटी सेवन अटेंड टू योर लेसन बॉयज के साथ टू का यूज करोगे अटेंड टू योर लेसेंस बॉयज ट्वेंटी एट सेंटेंस है आई ओनली वर्नस आवे टू अटेंड डैश मी टू अटेंड अपॉन मी आएगा अटेंड अपॉन का मतलब होता है सर्व सेवा करवाना ठीक है तो मेरे पास एक ही सर्वेंट है जो मेरी सेवा कर सकता है तो अटेंड के साथ आप लगाते हो अपॉन मी अटेंट अपॉन मी सेंटेंस नंबर ट्वेंटी नाइन अटेंटिव जैसे हमने अटेंड के साथ टू लगाया था सिमिलरली अटेंटिव के साथ भी टू लगाते हैं ही इज सेल्डम अटेंटिव टू हिज लेसेंस ओके सेल्डम मतलब होता है रेयरली ना के बराबर ऑलमोस्ट नहीं ठीक है तो ही सेल्डम अटेंटिव टू हिज लेसन तो ध्यान रखिएगा अटेंशन अटेंड अटेंटिव इन सब के साथ टू का यूज करते हैं सेंटेंस नंबर थर्टी अवेल योर सेल्फ डैच दिस ऑपरचुनिटी आंसर होगा ऑफ अवेल ऑफ ऑपरचुनिटी ऐसा ध्यान रखिएगा अवेल ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब होता है मौके का फायदा उठाना तो मौके का तो मौके का के लिए क्या यूज करोगे ऑफ अवेल ऑफ अपॉर्चुनिटी लेकिन अवेल के साथ हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाता है योर सेल्फ हिंद ओके तो आपका आंसर होगा अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस ऑपरचुनिटी थर्टी वन आपको पहले से पता होगा ये वर्ड आप सुनते रहते हो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द मैटर विल बी योर आंसर हमने एक वर्ड पढ़ा था अवेयर ऑफ उसका क्या सब्जीट्यूड था अलाइव टू राइट तो अलाइव के साथ टू का यूज करोगे अवेयर के साथ ऑफ का दोनों का मीनिंग क्या है सेम थर्टी टू एंड थर्टी थ्री बहुत ध्यान से देखिएगा जो वर्ड होता है अगर इसके बाद फॉरन एक नाउन आ रहा है या आप जिससे बैग कर रहे हो वो वर्ड पहले आ रहा है बैग द जज बैग द मदर बैग द फादर ठीक तो आगे जो भी चीज़ आप बैग कर रहे हो उसके लिए फॉर का यूज़ करोगे द एक्यूज बैग द जज फॉर मर्सी ठीक है लेकिन बैग क्या चीज़ कर रही है वो चीज़ पहले आ गई अगर बैग्ड मर्सी मर्सी पहले आ गई तो फिर आप जज के लिए ऑफ का यूज़ करोगे टू का नहीं करोगे आपका दिमाग बोल रहा होगा कि टू करना चाहिए क्योंकि जज से यू you नो know, बेग करी लेकिन नहीं हम लोग यूज करते हैं ऑफ का तो ध्यान रखिएगा द द जज ठीक है द नेक्स्ट सेंटेंस इज द न्यू चैप्टर बिगिन ये आपको पता होगा आप अपनी टीचर्स से मुझसे सुनते रहते होंगे ओपन आर्ट पेज नंबर दिस ओपन आर्ट पेज नंबर दैट तो आर्ट का यूज करते हैं पेज के लिए थर्टी फाइव नंबर सेंटेंस भी आप सुनते रहते हो गए लेटस्ट बिगिन विद द फर्स्ट स्टोरी ओके बिगिन विद द फर्स्ट स्टोरी बिगिन के साथ विद आएगा थर्टी सिक्स इज ऑल्सो ईजी आई डो नॉट बिलीव इन योर स्टोरी बिलीव इन योर स्टोरी थर्टी सेवेंथ इज ऑल्सो ईजी बिलोंग के साथ टू आता है अगर आपको बोलना है ये बुक मेरी है तो आप कह सकते हो दिस बुक बिलोंग्स टू मी ये पेन मेरा है आई बिलोंग टू दिस पेन और दिस पेन बिलोंग्स टू मी तो बिलोंग के साथ टू का यूज़ करते हैं बिलोंग का यूज़ क्यों किया जाता है ओनरशिप बताने के लिए कोई चीज़ किसी की है उसके लिए यूज किया जाता है बिलोंग शब्द का सेंटेंस नंबर थर्टी एट बेंट डैश मिस चीफ तो बेंट के साथ यूज होता है ऑन का बेंट ऑन यूज किया जाता है टू बी वेरी डिटर्मिंड टू समथिंग जब आप किसी चीज़ के बिल्कुल पीछे पड़े हुए हो उसको करके ही मानोगे दैट मीन्स यू आर बेंट ऑन दैट थिंग अगर किसी एक्शन को करने के लिए पीछे पड़े हुए हैं तो बेंट ऑन वो जो एक्शन आप यूज करोगे वो आईएनजी फॉर्म में यूज करोगे ठीक तो है बेंट ऑन डूइंग समथिंग तो याद रखिएगा अगर ये एफ आई वी में आता है और बेंट ऑन दे रखा है तो बेंट ऑन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लेके आएंगे आप आई एन जी बेंट ऑन का मतलब क्या होता है टू बी वेरी डिटरमिंड टू डू समथिंग थर्टी नाइन इज ऑल्सो वेरी ईजी आप पढ़ते रहते हो बिवेयर के साथ ऑफ आता है जैसे अवेयर के साथ ऑफ आता है बिवेयर के साथ भी ऑफ आता है कई जगह आपने पढ़ा होगा बेवियर ऑफ डॉक्स राइट ना फोर्टी एंड फोर्टी वन में डिफरेंस समझिएगा अगर किसी इंसान की एक आंख नहीं है खुदा नखास्ता तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो इन का या ऑफ का कोई अगर किसी एक आंख से अंधा है एक आंख से अंधा के लिए आप यूज़ करते हो इन वन आए या ऑफ वन आए सेक या फ्रॉम वगैरह यू नहीं यूज़ करोगे मैं आपको यही बता रही थी अभी हिंदी मीनिंग से हमने नहीं सीखना है ये ठीक है तो जो है वही सीखना है बिकॉज दिस इज़ द अडॉप्टिड लैंग्वेज इट इज़ नॉट आवर मदर लैंग्वेज सो वट एवर इज़ बींग टोल्ड वी हैव टू फॉलो ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई बोल सकते हो या ऑफ वन आई बोल सकते हो ठीक है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कोई इंसान किसी के गलतियों के प्रति अंधा होता है ठीक है जैसे कि एक माँ है जो अपने बच्चों को बिगाड़ रही है बहुत उसकी कमियाँ उसको दिखती ही नहीं है तो उस वाले अंधे को वैसे उसकी आँखें और सलामत हैं ठीक है बट वो उसके शॉर्टकमिंग्स उसके जो बैड कंडक्ट है उसके लिए कोई अंधा है अगर तो उसके लिए यूज किया जाता है टू का याद रखिएगा ब्लाइंड टू समथिंग दैट मीन्स ही इज हैविंग आईज बट ही इज नॉट यू नो पेइंग अटेंशन इज इग्नोरिंग दैट थिंग तो ब्लाइंड टू द शॉर्ट कमिंग्स आपका फोर्टी वन सेंटेंस हो जाएगा ही इज नॉट ब्लाइंड टू द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ इज ओनली सन तो ब्लाइंड टू समथिंग दैट मीन्स इग्नोरिंग समथिंग एंड ब्लाइंड ऑफ वन आई या ब्लाइंड इन वन आई का मतलब एक आंख से अंधा सेंटेंस नंबर एंड को ध्यान से देखिएगा अगर बॉर्न के साथ पेरेंट्स वर्ड आया है तो फिर आप वहां पे ऑफ का यूज करोगे बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बॉर्न ऑफ वाइज पेरेंट्स राइट लेकिन अगर दिया गया असन वॉज बॉर्न डैश हर उसे एक बेटा हुआ या उसे एक बेटी हुई तो फिर वहां पे आप यूज करते हो टू का फिर से सुन लीजिए बॉर्न के बाद अगर पेरेंट्स वर्ड दिया, दिया गया है आपके पास तो फिर आप लिखोगे बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स या पुअर फैमिली ठीक है लेकिन अगर आपको ये दिया जा रहा है कि उसे एक बेटा हुआ या उसे एक बेटी हुई तो फिर आप यूज करोगे अ सन वॉज बोर्न टू हर नेक्स्ट सेंटेंस इज द शिप इज बाउंड फॉर ऑस्ट्रेलिया बाउंड फॉर यूज किया जाता है जब कोई शिप किसी जगह ट्रैवल करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है ठीक है इफ़ इट इज ट्रेवलिंग टू सम प्लेस तो फिर बोला जाता है बाउंड फॉर तो बाउंड फॉर इज ट्रैवलिंग टूवर्ड सम प्लेस

तो ध्यान रखिएगा सेलिब्रेटेड एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है लेकिन celebrated को हम use करते हैं के के लिए 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 तो तो जो मतलब है 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 वो निकल रहा सहारनपुर किसके तो आपका आंसर होगा फॉर सेलिब्रेटेड फॉर इट्स वुड वर्क सेंटेंस नंबर फोर्टी सिक्स चेंज प्लेस डैश ईच अदर आंसर होगा विद जब अभी कभी कहना होता है आपस में जगह चेंज कर लो तो उसके लिए यूज किया जाता है विद का चेंज प्लेसेस विद ईच अद किसी पर्टिकुलर रुपए का चेंज मांगना उसके लिए फॉर का यूज करते हैं गिव मी चेंज फॉर आ रुपी सेंटिस नंबर फोर्टी एट चार्ज विद चार्ज के साथ विद का यूज करते हैं चार्ज विद का मतलब है कि आरोप लगाना और चैलो वॉज चार्ज विदर्डर ऑफ इस वाइफ सेंटिस नंबर फोर्टी नाइन एंड फिफ्टी ध्यान से देखिएगा अगर किसी चीज का कॉम्पेरिजन आप किसी चीज से कर रहे हो तो फिर टू का यूज करते हो इंसान के कंपेरिजन की बात होती है तो फिर विद का यूज करते हो ठीक कंपेयर टू समथिंग कंपेयर विद ठीक तो सेंटेंस नंबर फोर्टी नाइन में लिखा गया है लव इज जनरली कंपेयर्ड टू मैडनेस चीज की बात हो रही है लेकिन फिफ्टी में लिखा गया पीपल कॉम्पेयर ब्राउनिंग विद चौसर राइट ब्राउनिंग विद चौसर ब्राउनिंग वॉज ऑल्सो एंड चौसर वॉज सेंटेंस नंबर फिफ्टी वन ही इंटेंस डैश कॉम्पीट तो इंटेंस के साथ यूज किया जाता है टू का ही इंटेंस टू कॉम्पीट विद हामिद इंटेंस टू का मतलब होता है डिसाइड्स टू ठीक है तो ही इंटेंस टू कॉम्पीट डैश हामिद तो आ जाएगा विद कॉम्पीट विद हामिद फॉर द प्राइज इन द साइकिल रेस ध्यान से देखिएगा इंटेंस टू कॉम्पीट विद हामिद फॉर द प्राइज इन द साइकिल रेस सेंटेंस नंबर फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर में क्या डिफरेंस है वो आप समझिएगा कभी कभी हम शिकायत करते हैं किसी इंसान से किसी चीज़ के लिए ठीक है तो जिस इंसान से आप शिकायत लगा रहे हो उस इंसान के लिए टू का यूज़ करोगे और जिस चीज़ के लिए आप शिकायत कर रहे हो जिस चीज़ के खिलाफ तो उसके लिए आप अगेंस्ट यूज़ करोगे फॉर एग्ज़ाम्पल द पैसेंजर कंप्लेन्ड टू द स्टेशन मास्टर किसके खिलाफ अगेंस्ट द खुली इट्स वेरी इजी लेकिन कभी कभी क्या होता है हम अपने सर दर्द की शिकायत कर रहे हैं मतलब बाकायदा कहीं पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत नहीं कर रहे हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है हम अपने से सर में दर्द हो रहा है सर किसा बोलते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो आर कंप्लेंट टू आर सेल्स ठीक है या वाइफ हस्बैंड से बोल रही है हस्बैंड वाइफ से बोल रहा है तो उस सेंस में आप कंप्लेन के साथ ऑफ़ का यूज़ करोगे क्योंकि आप किसी इंसान के खिलाफ या किसी चीज़ के खिलाफ थोड़ी ना शिकायत लगा रहे हो राइट तो सर दर्द की शिकायत होना पैर दर्द की शिकायत होना पेट दर्द की शिकायत होना उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे ऑफ का ठीक है तो आंसर होगा ही कम्प्लेन्स ऑफ पेन इन देड एंड सेंटेंस नंबर फिफ्टी फोर हो जाएगा हैज ही एनी कंप्लेन्ट अगेंस्ट यू सेंटेंस नंबर फिफ्टी फाइव आई एम सॉरी आई कैन नॉट कंप्लाई डैश योर विशेष कंप्लाई के साथ यूज होता है विद का ध्यान रखिएगा ये वर्ड आपको रूल्स रेगुलेशन जहां पर भी लिखे होते हैं वहां पे यूज किया जाता है कंप्लाई विद कंप्लाई विद का मतलब होता है ओबे

वैसे ही कॉन्फिडेंट के साथ भी ऑफ काज होता है लेकिन अगर कॉन्फिडेंस यूज़ हो रहा है नाउन आ रहा है कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस के साथ फिर आप इन का यूज़ करते हो आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन दिस मैन किसी इंसान में कॉन्फिडेंस होना तो उसके लिए आप यूज़ करते हो इन राइट आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन दिस मैन ऑफ दिस मैन नहीं बोलोगे आप ठीक है और किसी चीज़ के ऊपर आप कॉन्फिडेंट हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं ऑफ़ आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन दिस मैन ठीक है सेंटेंस नंबर फिफ्टी नाइन कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन का यूज किया जाता है कॉन्ग्रेचुलेट ऑन समन सक्सेस तो सेंटेंस हो जाएगा आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस सेंटेंस नंबर सिक्सटी ही कॉन्ट्रीब्यूटेड हंड्रेड रुपीज टू द पुअर बॉयज फंड कहीं पे कॉन्ट्रीब्यूट करना तो वहां पे यूज किया जाता है टू का कॉन्ट्रीब्यूटेड टू समन और टू समाइटी सिक्सटी वन अभी ऊपर पढ़ चुके हैं हम अक्यूज के साथ ऑफ का यूज करते हैं

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उसका अपना बिजनेस होगा सिक्सटी थ्री सेंटेंस हो जाएगा ही नोज हाउ टू डील विद कस्टमर्स तो सेकेंड सेंटेंस में डील विद का मतलब है बिहेव राइट right? और ऊपर वाले में क्या निकल रहा है टू डू बिजनेस सिक्सटी फोर डिजायरस ऑफ ठीक डिजायरस के साथ क्या आता है ऑफ जैसे अवेयर के साथ ऑफ बिहवियर के साथ ऑफ कॉन्फिडेंट ऑफ प्राउड ऑफ सिमिलरली डिजायरस ऑफ सेंटेंस नंबर ही इज डैश द बार आंसर होगा फॉर ही इज डेस्टिड फॉर द बार डेस्टिड फॉर का मतलब होता है ट्रैवलिंग टूवर्ड्स अ प्लेस कहीं जाना किसी तरफ जाना ठीक है तो आप यूज करते हो फॉर का ही इज डेस्टिड फॉर द बार दैट मीन्स ही इज ट्रैवलिंग टूवर्ड द बार सेंटेंस नंबर सिक्सटी सिक्स यू कैन नॉट मी डैश माई ड्यू शेयर तो आंसर होगा ऑफ डिप्राइव समबडी ऑफ समथिंग किसी इंसान के जब हम राइट्स नहीं देते हैं उसको वंचित रखते हैं किसी चीज़ से यानी उसको रोकते हैं उसका हक हासिल करने से तो उसकी इंग्लिश होती है डिप्राइव दैट पर्सन ऑफ समथिंग राइट तो यू कैन नॉट डिप्राइव मी ऑफ माई ड्यू शेयर याद रखिएगा डिप्राइव ऑफ समथिंग किसी चीज को लेने से रोकना सेंटेंस नंबर सिक्सटी सेवन ही इज डिड डैश ऑल सेंस ऑफ डिसेंसी डिवाइड ऑफ का यूज़ किया जाता है डिवाइड ऑफ का मतलब होता है विदाउट ये वर्ड बहुत यूज़ होता है ज़्यादातर किसी इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए ही यूज़ होता है जैसे अगर हमें बोला है कि उसके पास तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है या फिर उसके पास तो सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है तो ही इज़ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ही इज़ डिवॉइड ऑफ कॉन्फिडेंस तो डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है विदाउट सेंटेंस नंबर सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन बहुत ध्यान से देखिएगा डिफर वर्ड जो लिया गया है वो डिफरेंट से लिया गया है डिफर एक वर्ब है कोई इंसान किसी इंसान से डिफर कर रहा है किसी बात में किसी पॉइंट को लेकर तो उसके लिए आप फ्रॉम का भी यूज़ कर सकते हो विद का भी यूज़ कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल आई डिफर विद यू ऑन द क्वेश्चन ऑफ ओपनिंग अ न्यू सेक्शन या फिर आई डिफर फ्रॉम यू ऑन द क्वेश्चन ऑफ ओपनिंग अ न्यू सेक्शन ठीक लेकिन सिक्सटी नाइन सेंटेंस में देखिएगा कौन सी दो चीज़ों के डिफर होने की बात हो रही है स्लेट की और रॉक्स की ये इंसान नहीं है ये चीजें हैं तो अगर चीज एक दूसरे से अलग है तो फिर वहां पे आप विध का यूज नहीं करोगे केवल और केवल फ्रॉम का ही यूज करोगे ठीक है इंसानों में आप विद का भी यूज कर सकते हो फ्रॉम का भी यूज कर सकते हो बट फॉर थिंग्स यू विल यूज फ्रॉम ओनली आंसर हो जाएगा स्लेट डिफर्स फ्रॉम अदर रॉक्स इन मैनी वेज नेक्स्ट सेंटेंस है आई इंटेंड टू डिस्पेंस डैश द सर्विसेज ऑफ माई सर्वेंट डिस्पेंस के साथ यहां पे आएगा विथ डिस्पेंस विद द सर्विसेज डिस्पेंस विद का मतलब होता है स्टॉप यूजिंग सम सर्विसेज सम थिंग किसी चीज को यूज करने से बंद कर देना उसे कहते हैं डिस्पेंस विद राइट ज्यादातर सर्विसेज के साथ ही आप इस वर्ड को देखोगे तो आई इंटेंड टू डिस्पेंस विद द सर्विसेज ऑफ माई सर्वेंट दैट मीन्स आई डिसाइड दैट आई विल स्टॉप यूजिंग द सर्विसेज ऑफ माई सर्वेंट दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस तो याद रखिएगा डिस्पेंस विद सेंटेंस नंबर सेवेंटी वन आई इंटेंड टू डिस्पोज डैश ऑल माई बुक्स तो आंसर होगा ओ एफ ऑफ ठीक है डिस्पोज ऑफ़ डिस्पोज ऑफ़ का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ अगर आपको कोई चीज़ हटानी है ठीक है so, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है डिस्पोज ऑफ़ so, याद रखिएगा ओ डबल एफ ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे हम यूज़ करेंगे ओ एफ ऑफ़ का आई इंटेंड टू डिस्पोज ऑफ ऑल माई बुक्स यानी कि आई जस्ट डिसाइड टू गेट rid ऑफ ऑल माई बुक्स अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो अच्छे से तो आपको कई सारे प्रपोजिशंस आपके प्रैक्टिस पेपर या टेस्ट पेपर जो फिफ्टीन अवेलेबल होते हैं आई सी या फिर एस एस सी बुक में उसमें आपको बहुत मिलते हैं राइट फ्रिजल वर्ब्स के साथ साथ आपको ये सारे प्रपोजिशंस भी मिलती हैं तो इसको आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा इग्नोर मत करिएगा इस पर अच्छे से कमांड ले लीजिए तो भाई इस वीडियो में मैंने सेवेंटी वन प्रपोजिशंस को डिस्कस किया है अगर और भी प्रपोजिशन मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बोरिंग लगने लगती है तो इन माई नेक्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस सम मोर प्रपोजिशन विद माई लीस एक्सप्लेनेशन टिल द टाइम आई कम विद माई नेक्स्ट वीडियो कीप वॉचिंग माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग